हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं मावा पाक, जो कि अक्सर जन्माष्टमी में बनता है और प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके लिए ये हमने तैयारी करी है। ये देखिए, ये हमने थोड़ा खोपरा लिया है जिसको कि हमने ग्रेट कर लिया है, थोड़े मखाने लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और थोड़ा हमने जो खोपरा है उसको इस तरीके से काट लिया है। ये सब तैयारी हमने कर ली है। अब हम इसके बाद में इसको बनाना शुरू। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक पैन में घी गरम करना है और उसके अंदर में हमको अपने ड्राई फ्रूट्स को सबको रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले हम मखानों को रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमारे मखाने अभी रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट होने के साथ साथ इसमें एक अच्छी सुगंध आनी शुरू हो गई है। अब हम इन मखानों को निकाल देंगे। प्लेट में इन मखानों को निकालने के बाद अब हम इसी पैन में अपने ड्राई फ्रूट्स सबसे पहले डालेंगे काजू, बादाम, इनको रोस्ट करना नहीं करना आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। आप चाहें तो इन्हों बिना रोस्ट करे भी डाल सकते हैं, पर रोस्ट करने से इसके अंदर में एक अच्छी खुशबू आ जाती है और बहुत ही अच्छा क्रिस्प आ जाता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने मखाने रोस्ट कर लिए, अब हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया। इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने अपने मखानों को रोस्ट करके निकाल लिया। अब हम अपना नारियल रोस्ट करेंगे। अब हमने अपना नारियल भी रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, अच्छी भीनी भीनी खुशबू नारियल की आने लगी है। ये नारियल हमारा रोस्ट होके तैयार है। अब हम इसको भी अभी हम बनाने जा रहे हैं एक तार की चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने इसमें चीनी डाला है। एक कप चीनी के अंदर में 1/4 कप पानी डाल के इसको उबलने के लिए रखेंगे, जब तक कि ये एक तार की चाशनी ना बन जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक तार कैसे हम पता करते हैं कि एक तार का हो गया है। करने के लिए हम हाथ में इसको लगाकर देखेंगे, एक तार इसमें बनना चाहिए। अब हमारी चाशनी जो तैयार है उसके अंदर हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स और मखानों को डालेंगे और ये काम हमें बहुत जल्दी करना है, क्योंकि ये चाशनी ठंडी होने के बाद में इसको बाइंडिंग में दिक्कत आएगा। इसके अंदर ये हमने अच्छे से मखानों को थोड़ा सा हमने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको हल्का हाथ से भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि जब मखाने रोस्ट हो जाते हैं तो वो हाथ से अच्छे से फूटने लग जाते हैं। अब हम इसके अंदर में डालेंगे अपना खोपरा, साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा, ये मैंने खजूर लिए हैं ड्राई वाले और इनको भी मैंने इसके अंदर डाला है। इन सबको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करें। इसमें डालें 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसको जमानेंगे। सारा कुछ हमने इसके अंदर निकाल के और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करके और दबा दबा के इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे। खूब अच्छे से हमको इसको दबाना है जिससे कि चाशनी अंदर तक चली जाए और ये पूरा बाइंड हो जाए। अच्छे से मैश करने के बाद में इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर ही हमारा तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं 1 से 2 घंटे के बाद ये कैसा दिखता है। और ये तैयार है हमारा मावा पाक।